हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मिनरल्स एंड वेदरिंग ऑफ सॉइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स, खनिज, इट इज़ अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल कंपोजिशन। अगर इसे हिंदी में समझे तो यह एक निश्चित रासायनिक और भौतिक संगठन वाला प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है। मिनरल खनिज जो होता है वो नेचुरली अर्थ में पाया जाता है और हर एक मिनरल का अपना अपना एक स्पेसिफिक केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन होता है, रासायनिक और भौतिक संगठन। केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन कहने का मतलब है सिलिकेट्स, ऑक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स एक्सेट्रा। वहीं फिजिकल कंपोजिशन, भौतिक संगठन के अंतर्गत क्या क्या आएगा, हार्डनेस, कितना हार्ड है, कलर, लश्चर, शाइन कैसा है उसका, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे किस में आते हैं, भौतिक संगठन, फिजिकल कंपोजिशन में। मिनरल्स के दो प्रकार हैं, पहला है प्राइमरी मिनरल्स, प्राथमिक खनिज, और दूसरा है सेकेंडरी मिनरल्स, द्वितीयक खनिज। प्राइमरी मिनरल्स, प्राथमिक खनिज, फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक्स बाय क्रिस्टलाइजेशन। इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान के क्रिस्टलाइजेशन से प्राइमरी मिनरल, प्राथमिक खनिज का निर्माण होता है। इसके पहले के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान जो है, मॉल्टेड मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनता है, मतलब कि जो लावा है उसके जमने से बनता है। इसी इग्नियस रॉक्स जो आग्नेय चट्टान है उसमें क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बनने से ही प्राइमरी मिनरल का फॉर्मेशन होता है। दूसरा पॉइंट है, इट इज़ केमिकली नॉट अल्टर्ड। जो प्राथमिक खनिज होता है, प्राइमरी मिनरल, उसके केमिकल कंपोजिशन में, रासायनिक संगठन में कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेम एज पेरेंट मटेरियल, जो प्राथमिक खनिज होता है, प्राइमरी मिनरल, ये जिससे बना होता है उसी के समान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिगर इन साइज, जो प्राइमरी मिनरल, प्राथमिक खनिज होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं क्योंकि ये ओरिजिनल रॉक से बनते हैं इस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्टिकल साइज का ग्रेटर देन 2 माइक्रोमीटर और ग्रेटर देन 0.002 mm होता है। इस पार्टिकल साइज के अंतर्गत सैंड, सिल्ट, ग्रेवल, ये सब आते हैं जिसके अंतर्गत हमें प्राइमरी मिनरल, प्राथमिक खनिज देखने को मिलता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि क्वार्ट्स, फेल्डस्पर, मीका, बायोटाइट, मस्कोवाइट, हॉर्नब्लेंड एक्सेट्रा। सेकेंड है सेकेंडरी मिनरल्स, द्वितीयक खनिज, फॉर्म्ड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ प्राइमरी मिनरल्स। तो प्राइमरी मिनरल, प्राथमिक खनिज के टूटने से, अपक्षय, वेदरिंग से सेकेंडरी मिनरल, द्वितीयक खनिज का निर्माण होता है। ये छोटे आकार के होते हैं, इनका पार्टिकल साइज लेस देन 2 माइक्रोमीटर और लेस देन 0.002 mm होता है। इस पार्टिकल साइज के अंतर्गत क्ले आता है जिसमें सेकेंडरी मिनरल, द्वितीयक खनिज पाया जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं हेमेटाइट, डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, क्ले मिनरल, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं जो कि एक्सेट्रा। वेदरिंग, अपक्षय, इट इज़ अ जियोलॉजिकल प्रोसेस, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड्स फ्रॉम रॉक्स। वेदरिंग, अपक्षय, एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है जो अर्थ के सरफेस पे होता है। कुछ फिजिकल एजेंट्स जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, वाटर, आइस या स्नो, या केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रियाओं के कारण जो रॉक्स है, चट्टान, उससे सिंपल कंपाउंड्स, जिसे पेरेंट मटेरियल या रिगोलिथ, मूल पदार्थ बोलते हैं, उसका निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को वेदरिंग, अपक्षय बोलते हैं। इसके तीन प्रकार हैं, पहला है फिजिकल वेदरिंग, भौतिक अपक्षय, दूसरा है केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय, तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग, जैविक अपक्षय। फिजिकल वेदरिंग, जिसे मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलते हैं, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। फिजिकल वेदरिंग इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इनटू फ्रैगमेंट्स विदाउट एनी चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन बाय सर्टेन एजेंट्स सच एज विंड, वाटर एंड आइस। कुछ नेचुरल एजेंट्स जैसे विंड, वाटर या आइस की वजह से केमिकल कंपोजिशन में बिना कोई चेंज लाए रॉक्स फ्रैगमेंट्स या पीसेस में टूट जाता है तो उसे ही फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। तो जब पानी, हवा, बर्फ के दबाव पड़ने पर बिना किसी रासायनिक संगठन में परिवर्तन आए बिना जब चट्टान टुकड़ों में टूट जाता है तो उसे ही भौतिक या यांत्रिक अपक्षय कहते हैं। जनरली डे लाइट में, दिन में क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं, चट्टान होते हैं, वो गर्म हो जाने के कारण एक्सपांड होते हैं, फैलते हैं। वहीं रात में क्या होता है, रॉक ठंडा होने के कारण
कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। टान में अगर क्रैक्स है और उसमें पानी भर गया है किसी वजह से, तो रात के समय क्या होता है, वो पानी फ्रीज हो जाता है, मतलब जम जाता है। तो उस पानी के जमने से टान फैल जाता है, एक्सपांड हो जाता है और क्रैक और चौड़ा हो जाता है। फिर जब दिन के समय क्या होगा, वो जो पानी जो जमा हुआ था वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, जिसकी वजह से चट्टान फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और जो क्रैक है वो और गहरा हो जाएगा। चट्टानों का बार बार एक्सपांड होना, बार बार कॉन्ट्रैक्ट होना, मतलब बार बार फैलना और बार बार सिकुड़ने की वजह से ही चट्टान के टुकड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय। इट इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स बाय द एक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस सच एज सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस, रिजल्टिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। मतलब कि कुछ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक क्रियाएं, जैसे कि सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस होने के कारण जो रॉक्स और मिनरल्स हैं, चट्टान और खनिज हैं, इनका डिकम्पोजिशन, अपघटन हो जाता है, जिसकी वजह से एक नया प्रोडक्ट का निर्माण होता है, जिसे केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय बोलते हैं। उदाहरण लेके समझते हैं, जैसे कि अगर मान लो रॉक्स में आयरन है और वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो वो आयरन ऑक्साइड बनाता है, इससे रॉक्स का डिकम्पोजिशन हो जाता है, इससे रॉक्स में रस्ट, जंग लग जाता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि केमिकल वेदरिंग में कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, इसके नाम याद रखने हैं, इससे डीप एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तीसरा टाइप है बायोलॉजिकल वेदरिंग, जैविक अपक्षय। इट इज़ फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग बाय बायोलॉजिकल एजेंसीज, सेड जॉफे। मतलब कि जो जॉफे नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है वो एक प्रकार का फिजिकल और केमिकल वेदरिंग है जो बायोलॉजिकल एजेंसीज के द्वारा होता है। जैसे फिजिकल वेदरिंग डिसइंटीग्रेशन, टूटना, और केमिकल वेदरिंग डीकम्पोजिशन, अपघटन, जब बायोलॉजिकल एजेंसीज जैसे कि ह्यूमन, इंसेक्ट्स, हायर प्लांट के रूट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से होगा, तो उसे ही बायोलॉजिकल वेदरिंग, जैविक अपक्षय बोलेंगे। आप स्क्रीन में लगा हुआ इमेज देख सकते हैं जिसमें चट्टान में से एक पेड़ निकल आया है, तो ये एक प्रकार का बायोलॉजिकल वेदरिंग, जैविक अपक्षय का उदाहरण है, क्योंकि ये जो पेड़ है वो बायोलॉजिकल एजेंसी एक प्रकार का, जिसकी वजह से वेदरिंग हो रहा है, और वो भी कौन सा वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग हो रहा है, भौतिक अपक्षय, क्योंकि पेड़ का जड़ नीचे की तरफ ग्रो होने के कारण चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। वहीं लेफ्ट साइड में जो इमेज लगी हुई है स्क्रीन में, उसमें आप देख सकते हैं कि चट्टान में लाइकेन ग्रो हो गए हैं। लाइकेन फंगी, कवक और एल्जी, शैवाल से मिलके बना होता है। ये कुछ एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से रॉक्स का केमिकल कंपोजिशन, जो रासायनिक संगठन है, उसमें चेंजेस आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, जिससे रॉक्स और मिनरल्स का डिकम्पोजिशन हो जाता है।